नमस्कार दोस्तों, तैयारी गवर्नमेंट जॉब के में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं लाया हूँ सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट टू। इसमें भी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें इंटरफेस होगा, लेकिन कंडीशन थोड़े निगेटिव होंगे। पिछले वीडियो में क्या थे, सारे कंडीशन पॉजिटिव थे, अब इसमें कंडीशन निगेटिव हैं। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हो सके वेरिएबल्स के भी साथ हों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको, जैसे कि SSC का वेंडर चेंज हो गया है तो TCS करा रहा है, तो हो सके TCS इस लेवल का क्वेश्चन आपको SSC के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और वैसे तो ये ऑल बैंक्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, साथ में कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन SSC के सारे एग्जाम में या तो रेलवे में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी के देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको हमारा ये अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट शुरू किया जाए। तो जैसा कि क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे सामने आ गए हैं, इनमें क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके स्क्रीन में, जैसा कि आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ कि STV, WXY एंड Z आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मीन्स सात लोग हैं जिनका नाम STV इस तरह से दिया गया है Z तक, जो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सेंटर की ओर देख रहे हैं। इतना शुरू में दिया है, उसके बाद कंडीशंस क्या है वो आगे देखेंगे। तो पहले ये जो बताया है उसके हिसाब से हम बनाएंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। तो चलिए मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे ला दिया जाए, जैसा कि आप मुझे स्क्रीन पे ऑलरेडी देख भी रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस में बोला किया गया है सेवन लोग हैं, तो एक सर्कुलर टेबल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सर्कुलर टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इनर फेस सेंटर यहाँ पे हो गया। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं, सेवन पीपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, सेवन पीपल को मैंने यहाँ बैठा दिया, सारे लोग इनर फेस हैं, तो इनर फेस इधर फेस हो गया सभी लोग का। ठीक है, इनर फेस है तो राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे बोला गया है, वाई इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो इसे हमें पता नहीं चल रहा है, जो दिया गया है हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, निगेटिव यहाँ पे दिया गया है। वाई जो है क्या है, इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, सेकेंड लेफ्ट एक्स का नहीं है। कंडीशन हमारा ये निकल के आता है, बाई जो है एक्स का नहीं है, तो ए क्या है, नहीं है, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए क्रॉस मैंने यहाँ लगा दिया, इसको फॉलो नहीं करेंगे। आगे क्या कर रहा है, एंड एक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू, एक्स जो है इमीडिएट नेबर डब्लू की नहीं है, मतलब एक्स के दोनों तरफ डब्लू नहीं हो सकता। ठीक है, ई भी नहीं है, तो इसको भी क्रॉस, ई भी निगेटिव है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। सपोज अगर जेड मैं यहाँ रखूँ तो भी थर्ड राइट, सॉरी अगर जेड कहीं भी आप रख सकते हैं, जेड मैं यहाँ रखूँ तो क्या हो जाएगा, भी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड राइट, 1, 2 थर्ड राइट कौन है, वी, यहाँ पे हमारा वी निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा वी है। आगे पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ने पे पता चलता है डब्ल्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, W जो है सेकेंड लेफ्ट है, जेड यहाँ है फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, तो यहाँ पे हमारा W हो गया। ठीक है, W, ठीक है, हमारा W सेकेंड लेफ्ट ऑफ जेड हो गया। आगे पढ़ते हैं, तो आगे क्या पता चला है, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर W और Z, मतलब T जो है जेड और W के नेबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे T जो है ना ही W के नेबर होगा ना ही जेड का नेबर होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, 3 नेगेटिव, बाकी जो पॉजिटिव था मैंने बैठा दिया। तो रिलेट करेंगे, देखिए टी जो है ना ही डब्ल्यू के नेवर है ना ही जेड का नेवर है, तो डब्ल्यू यहाँ है तो यहाँ यहाँ टी नहीं हो सकता, जेड यहाँ है तो यहाँ यहाँ टी नहीं हो सकता, तो मात्र एक जगह बचा कौन सा, ए वाला, तो टी यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो इसका काम हो गया, काट दिए। अब बचा हमारा ए दो पॉइंट, ए दो पॉइंट में से देखते हैं कि डब्ल्यू के बगल में एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो W यहां है तो X यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, तो X कहां बचा, यहां पे बैठेगा X। ठीक है, X को मैंने यहां बैठा दिया, तो इसका भी काम खत्म। अब बच गया X के सेकंड राइट में Y है, X सेकंड राइट में Y यहां पे। ठीक है,
अब एक यहाँ पे मेरा खाली स्थान बच गया। देखेंगे क्वेश्चन में हमारा क्या था, एस भी था, तो बचा एस, तो यहाँ पे एस बैठा दिए एस को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अरेंजमेंट हमारा आ गया एस वी टी एक्स जेड वाई डब्ल्यू, ठीक है। रिमेनिंग कंडीशंस हमारा जो खत्म हो गया नेगेटिव था, वो जो हमने हिंट्स के लिए रखा था उसे इरेज कर देते हैं। तो हमारा टेबल इस तरह से बन के आया जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। ए डब्ल्यू है, बराबर में लिख देता हूँ डब्ल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ला दिया जाए। जी बिल्कुल, जी हाँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस ला दिए जाए। जी हाँ, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसमें सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। द राइट एस का किधर हो गया, एस का फेस इधर है, तो राइट इसका इधर हो गया, लेफ्ट इसका इधर हो गया, तो सेकंड राइट पूछ रहा है, तो फर्स्ट राइट डब्ल्यू, सेकंड राइट क्या हो गया, वाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई, सेकंड राइट कौन है, वाई है, ठीक है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन में हमारा बाई नहीं दिया गया है, ऑप्शन हमें हमें क्या दिया गया है, जेड टी वी के एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ई के साथ जाएंगे, नन ऑफ दिस। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले नन ऑफ दिस को टिक आउट कर दिया जाए। सॉरी, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, सो इसे हम लोग टिक आउट कर देंगे, नन ऑफ दिस, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। तो अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑलरेडी है उसी के नीचे, तो मुझे ऊपर कर दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इमिडियट नंबर ऑफ जेड। जेड के ठीक इमिडियट नंबर में कौन कौन सा पेयर है, तो यहां पे दिख रहा है स्क्रीन पे, जेड यहां पे इमिडियट पेयर वाई एंड एक्स, तो वाई एंड एक्स हमारा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमारा है टी वी, वी एक्स, वी डब बाई डब्ल्यू, एस एक्स एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा फिर से आ जाएगा नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, तो सेवन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो नन ऑफ दिस को यहाँ पे टिक आउट कर दिया जाए। जी हाँ, नन ऑफ दिस कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, तो चलिए कोई बात नहीं है, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ला दिया जाए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कुछ टेक्निकल इशू यहाँ पे हो गया है लगता है। जी हाँ, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन ए रहा, एट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। एक्स का पोजीशन क्या है W के रेस्पेक्ट में, तो या तो क्या है राइट की तरफ क्या है, वन टू थर्ड राइट है, लेफ्ट की तरफ फोर्थ लेफ्ट है। तो ऑप्शन की ओर देखते हैं, थर्ड राइट या फोर्थ लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट नहीं, सेकंड टू द राइट नहीं, थर्ड टू द राइट बिल्कुल सही। तो यहाँ पे थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो हमारा हो जाएगा सी नंबर, थर्ड राइट इज द करेक्ट आंसर। तो सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पे सी हो जाएगा थर्ड टू द राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ पे सी टिक आउट कर लीजिएगा, यहाँ टेक्निकली इशू आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ला दिया जाए सबसे पहले बिना किसी विलंब के। टेक्निकल इशू आ रहे हैं बार बार, मैं आईटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार देख लें क्या इश्यूज आ रही है रेगुलर बेसिस पे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन ला दिया जाए यहाँ पे। जी सी, सी वॉज द करेक्ट आंसर। सो सी को टिक आउट यहाँ पे कीजिए। जी हाँ, सी जो है वो करेक्ट है, सॉरी सी इज द करेक्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट टू टी। टी की इमीडिएट राइट कौन है? वी है। यहाँ पे टी यहाँ है, इसका फेस इधर है, तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो राइट कौन है? वी है। तो हमारा वी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे वी कौन सा है? वी ऑप्शन नंबर ए, वी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे वी इज द करेक्ट आंसर, इसे टिक आउट कर दिया जाए। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग को दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। जी हाँ, इसे यहाँ मैं साइड कर देता हूँ, पूरा आपको दिखाने के लिए मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करके यहाँ आप लोग के सामने ला देता हूँ। देखिए क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? तो अकेला जेड बैठा है, तो ओनली वन पर्सन। तो ओनली वन पर्सन ऑप्शन में है क्या? टू थ्री फोर, नन एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा क्योंकि नन तो हो नहीं सकता, वन पर्सन बैठा है, इसलिए नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर द आंसर विल गोज टू द ई, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ई जो होगा नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। तो ये तो था सेटिंग अरेंजमेंट। देखिए कितने अच्छे से अगर एक कंडीशन हम लोग बना लेते हैं तो इजीली क्या होता है ना कि हमें ये बन जाता है सेटिंग अरेंजमेंट। सिर्फ डायग्राम हमें अच्छे तरीके से लॉजिक्स पे बिठा देना होता है बस, बाकी सब ऑटोमेटिक बनता चला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह के रेगुलर सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स हम एक एक रोज़ देते रहेंगे। बाकी सारे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेड वाले बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि रेगुलर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।